फैब्रिक यार बहुत ही चीप सा फैब्रिक है। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी और ट्रेंडिंग फैशन के बारे में। हाँ, मुझे पता है वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है। एक्चुअली हुआ क्या, 24 जून को मेरी एनिवर्सरी थी और उस दिन हम लोग ना यहीं पे सांपला में एक मड हाउस है, रिजॉर्ट मड हाउस है, तो वहाँ हम गए थे और पूल में मेरे साथ साथ मेरा फ़ोन भी चला गया था। तो फ़ोन को बनने में और वापस आने में, फिर वीडियो शूट करने में, और जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई, मेरे जो फ़ोन के का डेटा था वो काफ़ी हद तक चला गया। जितना मेकअप ले पाई थी उतना ठीक है, वरना मेरा बाकी 2-3 वीडियोस शूट कर रखा था मैंने, वो सारा डेटा चला गया। बट कोई बात नहीं, फ़ोन बन के वापस आ गया, तो मैंने सोचा कि चलो नया वीडियो बनाते हैं। काफ़ी टाइम हो गया चैनल पे कोई वीडियो नहीं आया, लेकिन अब मेरा फ़ोन आ गया है, मैं वीडियो शूट करूँगी तो आपको वीडियोस मिलेगी टाइम टू टाइम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर से मीशो हॉल। एक्चुअली ये ना टी शर्ट्स हॉल हैं, और एक जो कॉर्ड सेट मैंने 3 मंगाया था उसमें से एक बच गया था। एक्चुअली वो वाला पैकेट जो है ना वो मिस हो गया था, मुझे मिल नहीं रहा था, घर पे तो था नहीं, ऑफिस में ढूंढवाया वहाँ भी नहीं मिला, लेकिन आज जब बाकी के 4 पैकेट मुझे अभी मिले हैं तो उसके साथ वो पुराना वाला जो खोया हुआ था वो भी ऑफिस के किसी कोने में था तो मिल गया है। तो मैं आपको दिखाऊंगी टी शर्ट्स, और सारी ही टी शर्ट्स अंडर 200 हैं, और एक वो वाला बचा हुआ कॉर्ड सेट। तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि जो रिव्यूज़ या हॉल वीडियो होता है, ट्राई ऑन भी करके दिखाऊंगी, तो वो वीडियो अपने आप ही बहुत लंबा हो जाता है, फिर मैं कितना भी कट करती हूँ तो भी 14-15 मिनट का हो जाता है। तो बिना किसी देरी के फटाफट खोलते हैं पार्सल और मैं दिखाती हूँ आपको एक एक टी शर्ट कैसी आई है। पहले मैं टी शर्ट से ही शुरू करती हूँ, सारी टी शर्ट एक एक करके दिखाती हूँ, लास्ट में मैं दिखाऊंगी जो बचा हुआ कॉर्ड सेट मतलब था। जो पिक्चर साइड पे दे रखी है मीशो पे, वो उसका प्राइस यहीं पे ऐड कर दूंगी मैं, और सारे जो प्रोडक्ट हैं उनके लिंक्स जो हैं वो मैं लिंक्स कोड आप जो भी कहो उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला है ये वाला, मैं इसको फटाफट खोलती हूँ। कलर की एक टी शर्ट है, पर्पल कलर की, लैवेंडर या पर्पल कलर की आप कह सकते हो, और ये है वो टी शर्ट, बड़ी क्यूट सी लगी थी। दो मतलब सारी ना मैंने अलग अलग टाइप की, मतलब बहुत सारी वेराइटी आपको मिलेगी, एक जैसी टी शर्ट्स नहीं है, सारी अलग अलग टाइप की है। तो ये है टी शर्ट, ये एक्चुअली क्रॉप टॉप है, मतलब टी शर्ट तो है बट क्रॉप टी शर्ट है। तो मन हो रहा था बहुत दिन से पहनने का, तो मैंने कहा ठीक है इस बार क्रॉप ट्राई करके देखे, क्योंकि मेरा टमी फैट थोड़ी ज़्यादा है ना, तो बहुत क्रॉप्ड पहन नहीं पाती हूँ। तो ये है टी शर्ट, और ये टी शर्ट का प्राइस है सिर्फ 97 रुपीज़। जी हाँ, ये 100 रुपये की भी टी शर्ट नहीं है। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ ना, तो इसका फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट है, कॉटन फैब्रिक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फैब्रिक है, और जैसे होता है ना कि ट्रांसपेरेंट, देखिए ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, हल्का सा कॉटन है तो थोड़ा सा तो रहेगा, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं है कि आपको इसके अंदर इनर या कुछ पहनना ही पड़ेगा, नहीं, आप इसको सिंगल पहन सकते हो। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इसमें, दो चीज़ बहुत अच्छी लगी, एक तो ये क्यूट सा पांडा, ठीक है, और दूसरा इसका कलर, इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगा। बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि इसको ट्राई करूं, इसको बहुत दिन से मैं विश लिस्ट में मैंने इसको ऐड करके रखा था, बट सोच रही थी कि 97 रुपीज़ में क्या ही मिलेगा, क्योंकि मेरे साइज के हिसाब से सस्ते कपड़े मुझे मिलते नहीं हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बट मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं, नहीं अच्छा लगा तो वापस कर देंगे। बट ना, इसने मुझे बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया है, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, कलर जैसा मुझे दिखा था, मतलब जैसा पिक्चर में दिख रहा है एग्जैक्ट वही कलर है, फैब्रिक अच्छा है 97 के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये क्यूट सा पांडा, ये तो देख के ही मैंने मंगाया था, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, पहनने के बाद मैं फिट बताऊँगी। क्वालिटी अच्छी है, फिट भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं सोच रही थी थोड़ा सा लूज होता, थोड़ा सा एक साइज और अप होता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन मुझे सच में बहुत अच्छा है, इसका फैब्रिक, प्रिंट सब कुछ बहुत अच्छा है, ऐसे मुझे पसंद आया, काफ़ी अच्छा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉप की तरफ।
तो नेक्स्ट पैकेट की मैं बात करती हूं, नेक्स्ट पैकेट मुझे ये काफी छोटा था, ऑब्वियसली टी शर्ट है तो कितना बड़ा पैकेट आएगा, इसको भी फटाफट खोलते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है यार। तो ये खुल गया, ये टी शर्ट ना बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही, और इस टाइप की टी शर्ट मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। हाँ, टी शर्ट की साइज अगर मैं बताऊँ तो सारी ही टी शर्ट मैंने एक्सेल साइज में मंगाई है, तो अगर आपका फिजिक मेरे जैसा है, मेरे जैसे आप चबी थोड़े से कर्वी हेल्दी हो, तो आप एक्सेल साइज मंगा सकते हो। तो सेकेंड वाली टी शर्ट है, ये बहुत ही प्यारी सी, क्यूट सी, बहुत सारे टेक्स्ट वाली जो टी शर्ट्स आती हैं वैसा, इस टाइप की टी शर्ट्स मतलब मेरे, और मैं बहुत कम पहनती हूँ, या कहो कि फर्स्ट टाइम मैंने मीशो से ट्राई किया है। तो मैं सबसे पहले खोलती हूँ टी शर्ट, वो है ये, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसी लग रही है कि इसका साइज शायद थोड़ा सा फिट, मतलब मुझे ना थोड़ी सी ओवर साइज टी शर्ट ही चाहिए थी, थोड़ा सा लूज, लेकिन ये मुझे लग रहा है बिल्कुल एकदम से फिट आएगा, पहन के देखूंगी। ये है टी शर्ट, इसका जो फैब्रिक है ना, सबसे पहले आप टी शर्ट देखो कितना प्यारा सा है, बहुत सारे टेक्स्ट हैं, डायनासोर बना हुआ है, फ्लावर्स बने हुए हैं, तो काफ़ी प्यारी सी टी शर्ट है, मतलब दिखने में तो बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसको आप मतलब ट्राउजर के साथ, जीन्स के साथ, स्कर्ट्स के साथ भी पहन सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसके फैब्रिक की बात करूँ ना, तो इसका फैब्रिक जो है वो कॉटन नहीं है, ये पसीना नहीं सोखेगा, थोड़ा स्ट्रेचबल है बट ये पसीना नहीं सोखेगा, ये थोड़ा सिंथेटिक कपड़े नहीं होते, थोड़ा सा क्रेप फैब्रिक जो होता है ना, सिंथेटिक फैब्रिक जो होता है, इसमें एक प्लस पॉइंट होता है कि कलर प्रिंट्स कुछ भी नहीं जाएगा जितनी बार भी आप वॉश करो, लेकिन अगर आप ये चाहो कि गर्मी में पहन लो तो भाई ये मुश्किल है, क्योंकि ये पसीना नहीं सूखेगा, तो आप ऐसी जगह पहन सकते हैं जहाँ आपको स्वेटिंग नहीं होती है। और प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये टी शर्ट मुझे मिली है 202 रुपये की। एक चीज़ जो मैं डिसअपॉइंट हुई हूँ, चलो ठीक है फैब्रिक तो ओके, लेकिन इसमें था लूज फिट, लेकिन ये मुझे कहीं से भी लूज फिट तो नहीं लग रही है, ये बिल्कुल मुझे फिटेड वाली आएगी। तो बस मुझे यही चीज़ लगा, फैब्रिक थोड़ा सा क्रेप में है, चलो उन्होंने कॉटन दिया भी नहीं है, क्रेप ही लिखा हुआ था, बट फिट को लेके मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ। तो फटाफट इसको ट्राई करके देखते हैं कि कैसी लग रही है मेरे ऊपर। बहुत कंफर्टेबल कपड़ा ना, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल, सॉफ्ट है, अच्छा लग रहा है पहनने में, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, स्ट्रेचबल है ना, तो काफ़ी कंफर्टेबल है, बिल्कुल लूज फिट तो नहीं है पर बिल्कुल वैसा टाइट भी नहीं है कि बॉडी हगिंग एकदम ऐसा टाइट वाला हो, पिछला वाला टॉप जैसे था थोड़ा सा टाइट था, मुझे लग रहा था कि शायद सारे ही टी शर्ट का एक साइज और अप कर लेना चाहिए, मुझे एक्सेल नहीं डबल एक्सेल मंगाना चाहिए था, तो जो मैं चाह रही थी लूज फिट वो मिलता, लेकिन वैसे अच्छा है, दिखने में बहुत ही क्यूट सा है, बहुत ही प्यारा सा है। तो इस वाली टी शर्ट को भी मैं थम्स अप दे रही हूँ, मैं इसको रखने वाली हूँ, मैं इसको रिटर्न नहीं करूँगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉप की तरफ, तो अब खोलते हैं नेक्स्ट पार्सल, और नेक्स्ट मेरे हाथ में आया है तो ये वाली भी, कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि कुछ ज़्यादा ही पर्पल की दीवानी नहीं हूँ, जी नहीं, बस मुझे ये दोनों टी शर्ट अच्छी लगी थी इसलिए मैंने मंगा लिया। ये मैंने मंगाया है ये लूज फिट लैवेंडर कलर या पर्पल कलर, आप जो भी कहो, मिक्की माउस प्रिंटेड टी शर्ट ये है, और ये एक्चुअली लूज फिट है, मुझे जैसी चाहिए थी वैसी ही है ना। देखो एक्सेल साइज ही सारी मंगाई है, ठीक है, तो ये कोई नहीं कहेगा कि एक्सेल साइज में तो आपको वैसी ही फिट आएगी, जी नहीं, जब आपने लूज फिट दिया है तो आपके साइज के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ओवर साइज होता है, क्योंकि ये भी एक्सेल साइज ही है, आप देख सकते हो, पर ये मुझे लग रहा है कि ये मुझे सही से फिट होगा जैसा मैं चाहती थी। तो अब बात करते हैं फैब्रिक की, फैब्रिक इसका सेम वही वाला है जो फर्स्ट वाला क्रॉप्ड था, दोनों का ही फैब्रिक, इसका फैब्रिक भी कॉटन है, स्वेटिंग अगर होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, सोखेगा पसीना, सेम फैब्रिक है, बस इसमें दोनों में इतना ही अंतर है कि वो क्रॉप्ड है, उस पर पांडा बना हुआ है क्यूट सा, और इसमें बने हुए हैं मिकी माउस साहब, और ये ओवर साइज्ड है, लूज फिट है इसका। तो प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये मिला है मुझे 199 रुपीज़ में, और यकीन मानिए 200 रुपये की इतनी अच्छी टी शर्ट मतलब मेरे लिए अच्छी है, मुझे वर्थ लग रही है, क्योंकि इसका फैब्रिक सब कुछ बहुत अच्छा है, जैसे ट्रांसपेरेंट नहीं है बल्कि उसका फैब्रिक जो है क्रॉप वाले का वो हल्का सा इससे पतला लग रहा है, लेकिन इसका बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट वाला नहीं है, तो ये वाला फैब्रिक तो मतलब ये वाला अभी तक तीनों में सबसे प्यारा मुझे ये वाला लगा, इसका कलर, ये प्रिंट, फैब्रिक सब कुछ अच्छा है। तो फटाफट इसको ट्राई करके देखते हैं। दिस इज ना सो 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 गुड, मीन्स फैब्रिक, प्रिंट, फिट,
सब कुछ जैसा मुझे चाहिए था एग्जैक्ट वैसा ही आया है। बहुत अच्छा फैब्रिक, बहुत अच्छा है, दिखने में बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। जैसा मुझे थोड़ा लूज़ फिट चाहिए था वही है। तो इस वाली टी शर्ट को भी क्वालिटी को मैं दूंगी थम्स अप। और अब चलते हैं नेक्स्ट टी शर्ट की ओर। अब खोलते हैं नेक्स्ट पार्सल, वो है ये भी। तो ये भी है बहुत ही प्यारी सी वाइट कलर की टी शर्ट। मेरा वाइट का स्टॉक खत्म होने को है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वाइट टी शर्ट का स्टॉक अच्छा खासा 2-4-5 का स्टॉक आपके पास होना ही चाहिए, इसलिए मैंने मंगाया है वाइट कलर की ये टी शर्ट। और ये शायद, हाँ, मैंने डबल एक्सल ही मंगाया था, क्योंकि मैंने रिव्यूज़ भी पढ़े थे उसमें, तो उसमें लिखा हुआ था कि एक साइज अप आप जाओ। और इसको देखने के बाद मुझे भी लग रहा है कि एक नहीं दो साइज अप जाइए आप। ये है टी शर्ट, बहुत ही प्यारी कोरियन वाला वाइब्स दे रहा है ना, प्यारा सा प्रिंट है। फैब्रिक की मैं बात करूँ, स्ट्रेचेबल तो है फैब्रिक, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी है, बिल्कुल थोड़ा सा। आप चाहो तो अंदर कुछ पहनो, नहीं तो नहीं पहनो, बट ये वाला फैब्रिक है, प्योर क्राफ्ट फैब्रिक है, बिल्कुल भी पसीना नहीं सोखने वाला है। बट अगर मैं प्रिंट की बात करूँ ना तो अच्छा है, बाकी फिट तो मैं पहनने के बाद ही बता पाऊँगी, बट टी शर्ट अच्छी है। सेम वही चीज़ है, पसीना वसीना होगा तो ये नहीं सोखेगा, बट अच्छी चीज़ है, इसको कितनी बार भी वॉश कर लो, इसमें से कुछ ख़राब होने वाला नहीं है। और अगर इस पर दाग वाग भी लग जाएगा ना तो आसानी से छूट जाएगा, बिल्कुल वो वाला फैब्रिक है। तो एग्जैक्ट मुझे फैब्रिक का नाम नहीं पता, आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, बट मुझे टी शर्ट अच्छी लगी है। तो मैं इनमें से कोई सी भी टी शर्ट, मुझे लग नहीं रहा है कि रिटर्न करने वाली हूँ, सारी ही मैं रखूँगी। तो अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये मुझे मिला 163 रुपये। वही प्रॉब्लम है, इसका फैब्रिक उतना अच्छा नहीं है, लेकिन दिखने में बहुत ही प्यारा है। सिंपल सी टी शर्ट है, आप कैजुअल वेयर में, मतलब कहीं भी बाहर वाहर जा रहे हैं दोस्तों के साथ, मार्केट वगैरह, तो आप इसको आराम से पहन सकते हैं। धुलने में बहुत आसान है, फट से धुला फट से सूख जाएगी। तो अब इसको पहन के देखते हैं कैसी लग रही है। कैसे ओ हाँ, मीन्स ये बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल कोरियन वाइब्स दे रहा है ना। बहुत अच्छी टी शर्ट है, फिटिंग बहुत अच्छी है, जैसे ना इसका कपड़ा थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है, बट अच्छा लग रहा है पहन के। बॉडी में ऐसा एकदम से कसा कसा नहीं लग रहा है, लूज़ फिट तो नहीं है, बट ये अच्छा है। इसको मैं अपने लूज़ मॉमी पैंट या बॉयफ्रेंड जीन्स के साथ पहनूंगी, अच्छा लगेगा। तो इसको भी मैं दूंगी थम्स अप। और अब मैं खोलने वाली हूँ एक और पार्सल, जो कि पिछले वाले हॉल का पार्ट है, मतलब उसमें मैंने मंगाया था 3 कॉर्ड सेट, बट 2 ही आया था, तो मैंने 2 ही आ तो ये भी गया था, बट ये खो गया था कहीं, तो अब मुझे मिला है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपसे शेयर करूँ। और सही बताऊँ इसके, अगर ये अच्छा आया बुरा आया जैसा भी आया, क्योंकि इसके रिटर्न करने का टाइम तो हो गया है एक्सपायर, तो मैं इसको वापस तो नहीं कर पाऊंगी, तो इसको तो मुझे रखना ही रखना है। वैसे तो मैंने वो दोनों भी वापस नहीं किया है। और भाई साहब, चलो खैर खोल के देखते हैं, खोल तो दिया ही है, पूरा अच्छे से ओपन करके देखते हैं कि क्या है। कॉर्ड सेट मंगाया था मैंने, इसका फैब्रिक यार बहुत ही चीप सा फैब्रिक है, बहुत ही ख़राब सा फैब्रिक है। मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैंने ऐसा कुछ मंगाया था यार, ये कब पहनूंगी मैं। कुछ तो गलती हो गई है, कुछ मिस्टेक्स हो गया है मुझे, या तो मैंने सही से नहीं देखा या उन्होंने सही से नहीं भेजा है। खैर जो भी हो, फैब्रिक इसका बहुत ही वैसे सिंथेटिक टाइप का है, बहुत ही चीप सा फैब्रिक लग रहा है, कुछ खास नहीं लग रहा है। ये वही वाला है, पसीना नहीं सोखेगा, बट बिल्कुल ही अजीब सा ये देखिए। ये ना लो, मतलब हाई लो वाला जो पैटर्न है, आगे से थोड़ा शॉर्ट है, पीछे से ये ऐसे घेर बना हुआ है, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं इसको पहनने वाली हूँ, बट ठीक है। तो मुझे खुद नहीं पसंद आया, तो मैं आपको कहाँ रिकमेंड करूँगी कि आप। और सबसे बुरी बात है ना, यही खोना था, वो दोनों तो मुझे पसंद था, वो दोनों तो मैंने रख लिया, ये मिल जाता है इसको रिटर्न कर देती। अब इसके रिटर्न का टाइम भी एक्सपायर हो चुका है, तो इसको मैं रिटर्न नहीं कर सकती हूँ, मजबूरी में मुझे रखना पड़ेगा, शायद कहीं पहनूँ। ये देखो कैसा लग रहा है, नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सबसे बेकार तो मुझे इसका प्रिंट, फैब्रिक, सब कुछ ख़राब लग रहा है, पता नहीं कैसे है ना। मुझे इसका पैटर्न कुछ समझ में आ रहा है, मतलब आप ये सोचोगे कि मैं ज़्यादा ही बुराई कर रही हूँ, लेकिन नहीं। खैर छोड़ो, ये था टॉप पार्ट, ठीक है। अब मैं लोअर पार्ट देख लेती हूँ, कहीं ऐसा ना कि उसका साइज़ छोटा हो, क्योंकि कभी एक आध बार तो पहन ही लूँगी। यार ये बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब, इसको बिल्कुल ना लेना। ये देखिए सिलाई, ये देखिए अलग से ही सिलाई दिख रही है यहाँ की, क्या दिया है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना ही इसमें पॉकेट है। और मुझे लग रहा है ये सबसे महंगा कॉर्ड सेट था तीनों में, इसमें ना पॉकेट है पैंट में, ये चीज़ की सिलाई अलग से दिख रही है,
ऐसे लग रहा है ना जैसे रोड से उठा के भेज दिया हो, मतलब इतना भी कम प्राइस नहीं है, ठीक है, इतना भी कम में नहीं लिया है कि ये उठा के भेज दिया है कुछ भी इन्होंने, और मूड ख़राब कर दिया पूरा, पैसा बर्बाद हो गया। तो ये था आज का वीडियो, आप मुझे बताइए आपको सारी टी शर्ट्स में से कौन सी आपकी फेवरेट है, आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी। कॉर्ड सेट के बारे में मैं बात नहीं करूँगी, नो कमेंट्स, क्योंकि वो मुझे ही नहीं पसंद आई। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कॉमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।